तो दोस्तों अभी आपने देखा लोकल ट्रेन में कैसे गुआवास बिक रहे थे और इतनी डिलीशियस थी, हमने दो पीस खाया ड्यूरिंग द जर्नी। फिर मैंने बोला चलिए कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो एक किलो हमने लिया था ऑन आवर वे टू जयनगर, वहाँ रहती है तो हम जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन के लिए जा रहे थे और एक किलो गुआवास से साढ़े दो आगे घर में पक गए। सो वॉट शुड आई डू, लेट्स मेक सम फ्रेश होम मेड डिलीशियस गुआवा जैम। इतनी सिंपल रेसिपी आपने शायद ही खाया होगा, और ये गुआवा जैम से ब्रेड पे खाइए, अगर आप ब्रेड ना खाते हो तो पराठा में, रोटी में, बच्चों को जैम रोल बना के दीजिए। वेरी वेरी डिलीशियस, नो प्रिजर्वेटिव्स, और मेरे बचपन की ढेर सारी यादें हैं इस जैम के साथ। चलिए किचन में आपको आगे बताते हैं। लुक एट दैट यमी रेड जैम, एब्सोल्युटली होममेड, कंप्लीटली ऑर्गेनिक, नो एडेड फ्लेवर्स, नो एडेड कलर्स, एंड लुक एट द थिकनेस। ये ब्रेड के साथ चपाती रोल्स, पराठे, दिस इज गोइंग टू बी डिलीशियस डिलीशियस होममेड जैम, परफेक्ट फॉर एवरीवन जो अच्छा खाना चाहते हो। चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। ये है वो गुआवास जो हम खरीद के लाए थे। आई एम गोइंग टू कट इट इनटू स्लाइसेस, ये दोनों साइड से निकाल देंगे और इसको छोटे छोटे स्लाइसेस, पतले पतले स्लाइसेस करके प्रेशर कुकर में एक सीटी लो फ्लेम पे चढ़ानी है। जैसे ये बॉयल हो जाता है फिर आगे देखिए, रेसिपी बहुत ही ईजी है। जैसे मैंने बोला मेरी चाइल्डहुड के बहुत सारे यादें हैं इसके साथ जुड़े हुए, अभी मुझे देख के शायद पता ना चले पर मैं बहुत पेड़ों पे चढ़ती थी। हम कैलिंगपोंग में पले बड़े हैं तो घर के आसपास ढेर सारे फ्रूट के ट्रीज होते थे, तो उसी ट्री से हम गुआवास और पेयर्स या नाशपाती तोड़ते थे और उससे मेरी मम्मी जैम या जेली बनाती थी। तो ये देखिए गुआवा जो है ये बॉयल हो गया है, इसको अच्छे से मैश करेंगे और इसको छन्नी में पूरा इसका जो पल्प है इसको निकाल लेंगे। सो अच्छे से इसको बीट कर करके आप कुछ एक कटोरी ले सकते हो, मैंने लैडल ले लिया, तो इसे मैं अच्छे से मैश कर करके सारा पल्प जो है नीचे के कटोरी में ले लूँगी। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, इट विल टेक अ लिटिल टाइम, क्योंकि इसमें बहुत पल्पी सा गुआवा है। अब पल्प अगर नहीं देना चाहते हैं आप, सिर्फ पानी देना है तो वो जेली बनेगा, नो इश्यूज, वो भी आप बना सकते हैं। ये थोड़ा पल्पी बनेगा, थोड़ा ग्रेनी बनेगा और इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगी, सो आई गेस यू नो इट इज़ वर्थ ट्राइंग आउट एडिंग द पल्प ऑल्सो। तो इसको मैश कर करके सारा पल्प हम निकाल लेंगे और उसके बाद जितना पल्प निकलेगा उसी हिसाब से शुगर, आप मीठा कंटेंट अगर ज़्यादा खाते हो तो उसे ज़्यादा डाल सकते हो। मैंने जितना पल्प था उतना ही शुगर डाला, मैंने ब्राउन शुगर यूज़ किया है। आप जैगरी यूज़ कर सकते हो टू मेक इट, कीप इट हेल्दी, आप शुगर यूज़ कर सकते हो। सो सी द कलर ऑफ दिस पल्प, अच्छी वाली पिंक कलर होके रखा है। इसको बॉयलिंग पे चढ़ा देंगे। नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ किया है मैंने ताकि नीचे से पकड़ न ले, और इसको चलाते जाएंगे ऑन अ वेरी लो फ्लेम। आप मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हो इफ़ यू आर स्टैंडिंग कॉन्स्टेंटली नियर द जैम। तो ये देखिए अब इसके अंदर मैंने शुगर डाल दिया, ब्राउन शुगर यूज़ किया मैंने, और इसको अच्छे से चलाएंगे एंड आई लेट इट कुक टिल द एंटायर पल्प इज वेल कुक्ड एंड वेल मेड। और ये साइड से अपना कढ़ाई को छोड़ने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि जैम बन गई है। ये देखिए कितनी अच्छी कलर आई है, आई हैव नॉट एडेड एनी कलर टू इट। तो ये जैसे ही बॉयल होती है देखिए स्टिकीनेस थोड़ा पतला है, तो अभी मैं इसको और गाढ़ा करूँगी, जैम के कंसिस्टेंसी पे लाऊंगी। ये देखिए अब जितना पल्प था वो आधी हो गई है ना, so now you can actually cook it well and continue cooking till the jam leaves the side of the vessel. अब काफ़ी thick हो गई है, इसको आप थोड़ी, ये देखिए the sides are leaving the vessel, अभी आप इसको निकाल सकते हो। so I'm going to leave it in this pan for about an hour, ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही इसको बॉटल करेंगे। अब ये चली गई नेचुरल प्रिजर्वेटिव,
लेमन जूस, दो लेमन के जूस निकाल के उसको इसमें डाला आफ्टर स्विचिंग ऑफ द गैस। दो लेमन जूस से ये प्रिजर्वेटिव मिल जाएगी इसको, और थोड़ी सी खट्टापन और टेस्टी भी बनेगा। सो दैट इज़ वाई यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इफ़ यू वॉन्ट, मैंने नहीं डाला। और ये मेरी जैम रेडी हो गई है। थोड़ा ठंडा होगा तो थोड़ा गाढ़ा और होगा। ये देखिए गाढ़ा हो गया है, टाइट हो गया है। एब्सोल्युटली डिलीशियस होममेड गुआवा जैम, परफेक्ट फॉर योर ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स कैसा लगा फ्रेश होममेड डिलीशियस गुआवा जैम? I'm sure you liked it. If you did, share it with your friends. Share it with people who love jam and jelly. And don't forget to subscribe to the channel. Do share your love with us. Thanks for staying strong and steady with Ella's Magic Pan. And magical cooking to yahan pe hoti hai. I'm sure you're liking it. That is why you're standing tall with us. Lots and lots of love from Ella's Magic Pan, from Ella and Ella's Granny Suchandra. Bye for today.